तो मैं तुम्हें वो पत के भेज रहा हूँ कि तुम चले जाओ अपने घर पे, तो तुम्हें नहीं जाना। नहीं जाना, जब हमें जाने हैं हम जे और इकट्ठे जे, तो अपनी मर्जी से जाओगे तब मैं नहीं भेजूंगा फिर। काहे ना भेजो? क्यों? काहे जब हम अभी मैं भेज तब जे, जब हम नहीं है मैं नहीं जाए। तुम्हारे मना लो ना कल का ही। हाँ चले जाए, अब तो दुनिया भर की बातें करो। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि देख सकते हो साधना पीछे पता नहीं क्या कर रही है, सब्जी बना रही है। तो गाइस कल साधना बहुत दिनों बाद अपने घर पे जाने वाली है और वही करीब डेढ़ दो महीने बाद आएगी। करीब डेढ़ दो महीने बाद साधना वापस आएगी। चिका लगा लिया मुंह पे तुमने? को कह रहा? मैं कह रहा ना तुम अपने घर पे जा रहे हो, मैं भेज रहा हूँ ना तुम्हें। जबरदस्ती कहाँ पहुँचा रहा है यार? नहीं जाने है मैं। देख लो भैया, लो भलाई को जमानो नहीं है, भलाई को जमानो नहीं है, उपत के भेज रहे हैं, सुझाने नहीं है। नहीं तो रोज रोज देख लो, इसको शक है इसलिए नहीं जा रही है। अब बताओ, अबे अभी अगर मैं खुद से तुम कहते तो मैं बोल देता चले जाओ तो चली जाती है। चले जाते हैं जब हम जब पहुंचा तो। और अगर मैं खुद से बोल रहा तो कछु बात हुई जब तक तुम कछु में फायदा ना हुई, जब तक तुम कह ही नहीं सका। 3 साल हो गए, 3 साल में कब पहुंचा था तुमने? एक त्योहार को पहुंचाया, कछु को पहुंचा, लेकिन अब हमें नहीं आना, जबरदस्ती पहुंचा रहा है। तुम जो बताओ पहले, तुम जो मुंह पे का लगाए पहले तो वो बुखार रखा हो तो क्या मुंह दगाओ तो सुबह को वो उधर गाओ तो चल रहा हो। अच्छा तो मैं तुम्हें वो पत के भेज रहा हूँ कि तुम चले जाओ अपने घर पे, तो तुम्हें नहीं जाना? नहीं जाना, जब हमें जाने हैं हम जे और इकट्ठे जे। तो अपनी मर्जी से जाओगे तब मैं नहीं भेजूंगा फिर। काहे ना भेजो? क्यों? काहे जब हम अभी मैं भेज तब जे, जब हम नहीं है मैं नहीं जाए। तुम्हारे मन आ लो ना कल का ही। हाँ चले जाए, अब तो दुनिया भर की बातें करो। काहे को करें बातें? चली गई घर है काम वही कछु नहीं, वैसी बात नहीं। मैं खुद से तुम्हें भेज रहा, तो अपने घर पे चले जाओ डेढ़ दो महीने के लिए, ठीक है? नहीं जाना। अरे यार, तो मतलब तुम्हें क्या सक हो रहा? तुम्हें जैसा हो रहा कि मैं कहीं चला जाऊंगा फिर? मुझे कहीं जाना है, जावे का मतलब नहीं है। जब तक तुम्हारा कछु फायदा ना हो, जब तक तुम घर जावे की कह ही नहीं सका। मतलब कछु साठ गांठ, मतलब देख लो साठ गांठ लग रही है। अब सही तो कह रहा है, स्किन से हुई है साठ गांठ। हुज्जे भगवान जाने जी से अभी हुज्जे कछु फायदा न कर रहा। हुज्जे तो मैं माया कछु ही हो ना पा रहा हुज्जे। अच्छा मैं चली जाऊँ तो सब हो जाए, इस वजह से पहुंचा रहे हुज्जे। सही पकड़ा तुमने, मुझे गोवा जाना है। अब बताओ, बोलो गोवा? अब इतनी बार आ रही के गोवा में तो भेजा तुम्हें, क्या करने में भेजा? तुम तो अपने घर जाओ। ऐसा कैसे नहीं करना कछु? तो यार तो तुम्हें मतलब मतलब ही नहीं है मुझे, तो तुम उल्टी बात ही कर रहे हो यार। उल्टी बातें तुम नहीं कर रहे, जो करूं जब मैं तुम्हें एक दो महीना को जब कही है जब पहुंचाओ नहीं है। तो मैं तुम्हें वो बात क्या भी इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं गोवा, ठीक है? अब तुम यहां पे क्या करोगे? दोस्तों के साथ? कौन से दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ। कौन से? अब मैं तुम्हें हर चीज का वो आधार कार्ड दूं उन दोस्तों का? तो मेरी बात तो सुनो, तुम्हें जाना काहे की सब्जी बना रहे? तुम्हें क्यों नहीं जाना है? मतलब मैं खुद से भेज रहा तो जाना नहीं है? नहीं तो रोज कहते रहते मुझे घर जाना घर जाना। तो जाओ ना, नहीं जाना लेकिन। और मतलब मैं खुद से कहूँ तो जाना नहीं है, हैं? और खुद लगे रहो तो ठीक है। 4 साल हो गए, 4 साल के इकट्ठे देखना, 4 महीना रह के आओ मैं। 5 महीना बाद आइए, 5 महीना बाद आइए, चलो 5 महीने। लेकिन अब नहीं जाना, जियो खुद से अपने मन, ठीक है? तो सोचो तुम जब जाओ तो मैं तभी जाऊँ फिर। हाँ चले जाइयो बस, ठीक है? फिर तो अबे तो मैं गोवा ही जा रहा हूँ, फिर मैं उते जाऊँ थाईलैंड। थाईलैंड जाओ चाहे कौन उते जाओ, मैं नहीं जानती। लेकिन ना मैं अबे जा रही ना मैं तुम जा रहे हो, जब हमें जाने हैं हम जे, लेकिन तुम भी मेरे संगे चलो। मतलब मैं अगर खुद से भेजूंगा तो नहीं जाना तुम्हें? नहीं ऐसे ऐसे जाने उसको बिना वाके बिना वाके मतलब अपने घर पे बिना वाके भी नहीं जा सकते तुम? अब ब्याह होगा, ब्याह भी एक तरीका से जाने आता है, थोड़ी ना है कि मुंह उठाओ और चले जाओ जब चाहे। कब जाओगे तुम बताओ, फिर मैं तब का अपना टिकट कर लेना। तो रक्षाबंधन पे भी जाते तो जे है वो के उन अबे घर जरूरत है की काम की, तो अबे जा नहीं रहे हम। नहीं तो हम तो कब से नहीं गए, 3 साल हो गए, एक भी रक्षाबंधन पे नहीं गए अपने घर। तुम कब जाओगे अपने घर पे मुझे बता दो, फिर मैं उसको बता दूंगा तो वो रुक जाएगी। जय सॉन्ग रक्षाबंधन पे जय, लेकिन ऐसे नहीं जाए 2 महीना खो जाए, ठीक है? मैं बता दूंगा तो रुक जाएगी। अभी कुछ वो रुक जाएगी, अब दोस्तों थे, अब रुक जाएगी। अरे बस अच्छे से समझे तुम्हारी भाषा, ठीक है? तुम कब जाओ? अच्छा तो अपने मन से कब जाना चाहते हो ये तो बताओ। हम मन में जाए उनकी डिलीवरी हो जाए फिर जाए हम चलो नहीं के। हाँ। तो उसके बाद चले जाओगे? अब जे बिल्कुल जाए। चलो तो वही करीब सितंबर में जाओगे तुम? सितंबर में जाओगे? चले जाए। चलो ठीक है, मैं सितंबर की बोल दूंगा उसको उसको बोलना दूंगा किसको बोल दूंगा
दूंगा उसको। अब तो मैं क्या लेने देना यार, कैसे तुम... कैसे नहीं लेने देने कछु, मतलब मैं ही चीज वो से सब पूछा जा रहा है अपनी, कछु बता नहीं रहे हो। मैं क्यों बताऊं, अब तो मैं जब जाना है तुम जाना है बस, अब मैं अपने हिसाब से जहां मुझे जाना होगा मैं चला जाऊं। अभी तुमने खुद बोला कि मैं जब मैं चली जाऊंगी अपने घर पे तो मैं जितना जाना हुई चले जाइए, तुमने खुद बोला। ऐसी गुस्सा में लेकिन बात में जो अभी तो कही, तुम भी हमारे संग चलो। मैं कहा को जाऊँ तेरे में पागल हो गया, तुम नहीं रह सका था दो चार नहीं रुक सकते, नहीं एक दिन नहीं रुक सकता मैं। एक दिन बजे मैं कह रहा हूँ फिर कि मैं भी नहीं रुक सकता ना, रुको जाओ, मैं तो चाह रहा तुम जाओ दो तीन महीना एक दो साल तक होता ही रहो आराम से, रहो एक दो साल तक ठीक है, चले जाओ जाओ एक दो साल को नहीं लेकर जाना है वो, लेकिन अभी नहीं जा रहे। चलो तो फिर मैं बोल दूंगा उसको, ठीक है। की को बोल दो, तुम बात को ड्रामा क्या कर रहे। अरे तो तुम्हें क्या लेना था, मैं उसको किसको दोस्तों कैसे नहीं लेने दे रहा, को हैगी दोस्तों को बोल दूंगा ना मैं अपने दोस्तों को, अब उससे बोल दूंगा कि वो रुके रहेगी। अब दोस्तों का बोल है इतने माथे पे पागल लिखो क्रीम लगाया तो इतने भी लिखो कछु। अरे तो मैं दोस्तों को बोल दूंगा कि भैया अभी रुक जाना बाद में चलेंगे, क्योंकि अभी बीवी जा नहीं रही। क्या बीवी के वहां का बनता नहीं बनना, तो हम तुम चले जाओ ठीक है, तुम्हें तैयार हो मैं चलो जाऊँ फिर। मैं कह रुको इतने, तुम अपने घर चले जाओ, तो मुझे तो जाना है मेरे संग में जाना है। तुम शकल देगी, तुमने जाया जी शकल लेकर तुम गोवा जाओ तो डरा जाए करे, जो मुंह पे का लगाए जो बताइए तुम, मुंह पे का जो तकलीफ है सो लगाए। हाँ तो तुम उतरे भी लगा लो फिर, सब डरा नहीं है तुम्हें देख के ऐसे। अच्छा अच्छा, गोवा अच्छा। में ऐसी ऐसी रहती है क्या बताए, मैं तो बहुत अच्छी। तुम कहूँ गई गई हो गोवा, सोचो तुम भी गोवा हो, तो फिर तुम्हें कैसे पता ऐसी ऐसी रहती है। बेतवा था शॉर्ट वीडियो फोन में गोवा की, और सुबह में कैसी कैसी रहती, जैसी जैसी सब बन नहीं रहती। हाँ तो बस, तो फिर मुझे जान दो ठीक है, तुम बताओ नहीं यार ड्रामा ना करो। अरे यार समझा करो, इंतजार कर ठीक है। कब मैं फिर, अभी मैं चला जाऊँ, अभी तो मैं तुम यहीं पे रुको ना, मैं ये सोच रहा था कि तुम चले जाओ अपने घर पे, तुम वहाँ रहना और मैं अपना घूम फिर आऊँगा। अगर तुम यहाँ रहोगे तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम्हें फिर बुरा लगेगा, इसलिए मैं यही सोच रहा था। तो अब तो मैं तुम्हारे मायके भेज दूँ और फिर मैं आराम से ऐश करूँ, आई मीन सॉरी घूमने चला जाऊँ, तो मैं तुम्हारे मायके भेज दूँ। अरे तो मैं तुम्हारे मायके भेज दूँ फिर मैं घूमे आऊँ, अब मैं तुम्हारे तुम यही रुक जाओ रहोगे और मैं घूमने चला जाऊंगा। जब मैं क्या जब मौजाद नहीं है तो रो रो देता ही, अब मैं भेज रहा मैं ये सोच रहा था तुम अपने घर पे चले जाओगे, मैं घूम फिर आऊंगा अपना आराम, तुम यही रहोगे तो बुरा लगेगा कि देखो अकेले चलेगा मुझे नहीं लेगा। तुम्हें कितना बुरा लगेगा, तुम यहाँ रहोगे मैं किसी और दूसरी के साथ, मुझे नहीं लगा बुरा ठीक है। तो वही तो मैं किसी और लड़की के साथ चला जाऊंगा तो कैसा लगेगा, आई मीन कितने दोस्तों के साथ चला जाऊंगा, कितने दोस्तों। हाँ तो तुम जो सोच रहे मतलब पागल हो मैं। चलो मैं जा रहा ठीक है, मैं अपने कपड़े वपड़े पैक कर लूँ, कल का मेरा सुबह की ट्रेन है। चाबी चाबी मिला कितने चाबी मिला गाइस, पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उस पर कर रहा था प्रैंक, अभी देखते हैं वो आएगी तो उसको बता दूंगा, मैं तो प्रैंक कर रहा था ठीक है। क्या कर रहा है गोदरेज की था, गोदरेज को देखो ताला लगा था ठीक है, कान छी लीजिए का आ, तो गोदरेज तुम गोदरेज को ताला लगा के मुंह का जान नहीं दो, आ तो मेरे में चले जाओ कच्चा बनियान में, और तो गोवा में तो कच्चे बनियान में तो घूमत है, ऐसे एक अच्छा में नहीं घूमत, वो तो क्वालिटी दार कच्चा पहने रख। अच्छा आओ तो देख के तुम्हें पता है क्वालिटी दार है कच्चा का नहीं, अच्छा जो तुम ऐसा होगा दो साल का होगा कच्चा, दो साल का होगा और कौन। तो यार तो मतलब देखो यार तुम जान दो यार, वो कितने टाइम बाद तो यार समझा करो, उसने हाँ बोला है जाने के लिए, नहीं करो तुम दिमाग ना घुमाएगा, वैसे तुम्हारा दिमाग सनक गया, अगर सनक गया तो फिर हम बताएं फिर तो आप कहीं सुधरे हैं होते कहीं बुरा रहेंगे, ये को मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ करें तो हमें गुस्सा नहीं आ या हमारे फीलिंग्स नहीं है हमारे अंदर या हम कछु होता नहीं है, सब होता हमें। तो तुम अपने मायके जाओ ना, सब मायके मम्मी पापा की याद नहीं आती, मम्मी पापा की याद नहीं आता, पापा पापा मम्मी की लगा है तो उनकी दो दो बहू है तो मैं उनकी याद नहीं आई, चले जाओ रेव कछु इतना रेव मैं बढ़िया घूम फिर जाओ, मैं लेकिन अब नहीं जाना, मैं कहता हूँ तुम चले जाते ठीक है, अगर अगर तुम्हें ये नहीं पता होता कि मैं कहीं घूमने जा रहा तो तुम चले जाते डेफिनेटली, तुम इसलिए नहीं जा रहे कि तुम्हें ये लग रहा कि फिर मैं आऊंगा घूमने किसी लड़की के साथ, लड़की को डर नहीं है, वो आज दुनिया भर की बात है सुना, तुम सब चीजें को डर रहत, अगर अकेले जाते तो तुम अपने मन की कार चला, तुम अपने हिसाब से रहत, तुम्हारी शक्ल ही से देख रहा देखो अलग ही कि तुम कितनी बोरी हो, हम नहीं है ना भोले, जो बोलो हो तो उनके संग चले जाए, भाई के संग तो जा रहा जो बोली है तुम जान का, अब खुद ही अपने मुंह से कह रहे जो बोली हो सो बाकी संग चले जाओ, तुमने कही अब जान दो ना, तो जाने दो ना, क्यों नहीं जाने दो, तो क्यों बोलते हो कर जात गुस्सन में। हाँ तो गुस्सन में फिर ऐसी बात ना बोलेगा ठीक है, शांत रहेगा
अब तो मैं कब जाने बताओ अपने घर जाने कि नहीं जाने मैं मजाक से हट के ठीक है मजाक से हट के अब जाना है मैं रक्षाबंधन पे ठीक है दो चार छह दिन के इलाज है ठीक है और इसके बाद उनकी डिलीवरी हो जाए तो फिर जाने हमें इकट्ठो रहे काहे कि हम गए भी नहीं है चार साल हो गए हमें एक भी त्योहार नहीं भाव माओ के एक त्योहार भाव है हमारे घर को। तुम जब भी जाओ तो बता देना मुझे कि हाँ मुझे अभी जाना है तो मजाक से हट के ही तो कह रहा हूँ तुम जब चले जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूंगा अकेला मैं बोर नहीं होऊंगा मैं भी जाऊंगा कहीं घूमने फिरने अब मैं अकेला जाऊंगा किसी के अब तुम मायके जाओगी तुम मायके रहोगी कि मेरे साथ घूमने जाओगी तो कछु दिन तुम रुके आई हो फिर तुम भागे आई हो तुम अपने घूमने चले गई हो हम अपने घर रुके आए फिर तुम आ जाइयो तो अपने घर से आ जाए ऐसा मुझे नहीं रहने देते जाके कि दस दिन आते मैं नहीं तुम जाओ अपने घर है तुम्हें जितने जन आके लाया जाना है जाओ मेरी तरफ से तुम पूरी आजादी है तुम्हें अपने मायके जितना तुम्हें हाँ जितने दिन रहने रहे हो रक्षाबंधन पे जाइयो दिवाली पे बाबा जाइयो भले कछु भी होए ठीक है जब ब्याह में सात वचन लाए थे तब पंडित ने कही थी कि तुम ब्याह में कब हूँ कछु में पहुँचाइयो नहीं पहुँचाइयो लेकिन रक्षाबंधन पे भाई दूज पे तुम्हारा धर्म है तुम खुद लुआ के जाओ लेकिन आज तक तुमने हमारे भाइयों को खुद बुलाओ तुम कब गए हमें लुआ के पहले रक्षाबंधन लिया तो तुम सवेरे लुआ गए थे तुरंत भाग आए थे। बात तो सुनो तो सात वचन में लिखवा है कि अपनी बीवी को ठीक है मायके लुआ जाओ मैं तुम्हें लुआ जाऊँ और मैं तुम्हें तो छोड़े आऊँ मैं क्या करूँ थे सात वचन में जो भी लिखोगे होता है मैं तुम्हें संगे रहूँ बताओ बोलो अब बोलो जो नहीं लिखो तो बस मैं तुम्हें छोड़े आ रहा कल नहीं जाने मैं रक्षाबंधन यार कैसी उल्लू हो तो रक्षाबंधन तक रहना ना आराम से अपना रक्षाबंधन मना के आना भाई ठीक है पहुंचा दो ठीक है पहुंचा चलो तो फिर मैं अभी उसको टिकट के लिए बोल रहा कल कन्फर्म है मेरा आना और मैं जा रहा हूँ गोवा देखो तुम झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं अपनी फ्रेंडों के साथ जा रहा हूँ तीन लड़कियाँ हैं और मैं हूँ और हम चारों हम लोग जा रहे हैं गोवा घूमने के लिए ठीक है जो बात है साफ है गुड़ी बना रहे वे तीन ही यार तुम्हें क्या मतलब गुड़ी बना चाहे तुम अपने घर पे जाओ सात वचन वाला निवारा मैं तो अपना सात वचन अब एक तरफ तो मैं यार ये भी प्रॉब्लम है देखो सात वचन मैं कि तुम अपनी तीन तीन लुगाई इनको वे घोड़ी सी लुगाई इनको लुवा के जाओ तुम्हें कैसे पता कि वे घोड़ी सी है वो लुगाई है तुम अकेले और दोस्त है मेरी फ्रेंड है मेरी अच्छा तीन ही इनको ठेका तुम्हें ले रहा सो जा रहे तुम हां ठेका मैं ही लिया उनका ठीक है 150 रुपया में ठीक है तो कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के फिर मैं गोवा निकल जाऊंगा वही करीब 1.5-2 महीने तुम रह के आना मैं अपना आराम से उन लोगों के साथ गुजारा कर लूंगा मतलब निकाल लूंगा कुछ नहीं मैं अपने दिल निकाल लूंगा मैं काट लूंगा मैं बता रहा मैं काट लूंगा तुम्हारे बिना अपनी रातें अब मेरी जैसे भी रातें कटे दिन कटे ठीक है ओके तुम चले जाओ मैं सह लूंगा तुम्हारी जुदाई मैं तुम्हारी जुदाई सह लूंगा तुम चली जाओ ठीक है बहुत प्रकार है तुम्हें मैं तो बढ़िया आराम से खुश रहूँ मैं जैसे भी रहूँ मैं रह लूंगा ठीक है अच्छा मैं बिना खुश रहो तो मत है उनके संगे ऐसे भी कहा दे रही तो मैं कहा ही रहा मोती परोस रही वो कछु नहीं दे रही वो तो तुम घर पे जा रहे अपने से मैंने उनसे बोल दिया कि मेरी बीवी जा रही वहाँ और मैं क्या करूंगा घर पे तो उन्होंने कहा चल अपन गोवा चलते हैं मैं नहीं जा रही घर है चलो और कितना चलो कहीं जा रही सात वचन निभाए थे अपन ने सात वचन रक्षाबंधन की हाँ तो बस भाई दूज के रक्षाबंधन के लिए छोड़ भी जा रहा हूँ तो मैं सात वचन निभा रहा हूँ मैं अपने तुम अपने घर रही हो आराम से बस मैं अपनी फ्रेंड के विश्वास रखो तुम सात वचन विश्वास वालों भी तो वचन रख कि अपने पति पे विश्वास रखा करो तुम मुझे चल जान दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ओके जाना कि नहीं जाना जल्दी बताओ जाना कि नहीं जाना घर है तुम्हें अपने अबे पहले मुझे सोचबे को टाइम जाना सोचबे को टाइम जाना ज्यादा ना सोचो मैं तो मजाक कर रहा था प्रैंक कर रहा था देख रहा था तुम्हारे क्या रिएक्शन होते हैं कि तुम अपने घर पे मैं खुद से बोलूंगा कि चले जाओ अपने घर पे तुम जाते कि नहीं जाते मुझे यही लग रहा था मैं खुद से बोलूंगा तो नहीं जाओगे पक्का उसमें तुम्हें यही लग गया कुछ ना कुछ दाल में काल आया उपद की कैसे भेज रहे तो तुम का जिंदगी में कहूं कहता ही नहीं है अरे यार क्यों नहीं कहता तुम चले जाओ ना अभी अभी भी बोल ले लो मैं तुमसे अभी मैं कह रहा कि मैं प्रैंक कर रहा था अब मैं प्रैंक नहीं कर रहा चले जाओ अपने घर पे तुम तो मैं कल छोड़े आऊंगा चले जाओ बताओ लेकिन तुम फिर मैं कहीं जाऊं तो ये नहीं कि तुम यहाँ नहीं जा सकते यहाँ नहीं जा सकते क्यों मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता तुम हमें भी तो कहते हैं कि तय गई दीदी कि तय गई तय गई तय गई तो हमें भी तो तुम फोन लगा लगा के मैं नहीं लगाऊंगा फोन वो शुरुआत की बात थी दीदी कि तय गई अरे पागल नहीं तो जाने माने खुद से नहीं है मुझे चलाती रहेगी इतना शक करते है कि क्या बताऊं अगर कोनो मोड़ी को नाम ले दूं तो ऐसी फुरे उसी छूट जाते कि क्या बताऊं देखा नहीं रही चुटिया खड़ी तुम्हारी बात है कि भाई। ओ जैसे कि देखे आपने साधना के रिएक्शन कितने खतरनाक वाले मुझे यही उम्मीद थी कि मैं अगर इसको खुद से बोलूंगा कि तुम अपने घर पे चले जाओ और मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ
तो मुझे यही था कि यही ऐसे ही रिएक्शन आने वाले हैं इसके। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। सभी को राधे राधे।